देखो बेटा, अगर ये सब तुम जानती हो फिर मेरी बात मान। अपनी सालगिरह से पहले तुम शादी कर लो और ये सब जिन भूतों के चक्रों को छोड़ दो। इसमें कोई अच्छाई नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। अगर आप कहें तो मैं और अम्मी रात को यहीं पे रुक जाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अकेली हो गई। मेरी दोस्त, मेरी माँ छोड़कर चली गई। कैसे यतीम हो गई। सरोज बेटा, गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। महनूर, खुद को अकेला मत समझो और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताओ। हम तुम्हारे साथ हैं, चलते हैं। बताओ बस। लगा दूं आपके लिए? मामा आप ऐसे भूखी रहेंगी तो क्या दादी को अच्छा लगेगा? जब छलावे ने तुम्हारी दादी का हाथ तोड़ा था ना,
तो उनके हाथों पे ऐसे ही निशान थे। उसी ने मारा है तुम्हारी दादी को। मामा वो मेरे साथ नहीं है और आप ये बात जानते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही और मुझे क्या फायदा होगा? वो नफरत करता था तुम्हारी दादी से। तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। और अगर पता चले तुम्हें कि ये उसी ने किया है तो क्या करोगी तुम? ऐसा नहीं है मामा। क्या करोगी तुम अगर तुम्हें पता लगे तो? मामा आप जानते हैं हमारा दुश्मन हमदानी है और वही बाबा का दुश्मन था। आप खुदा पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। ये उसी ने किया है, उसी ने किया है ये सब। वो सरनाश नहीं था। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मामा उसने दादी को नहीं मारा है। मुझे सब पता लग चुका है, उसी ने मारा है, उसी ने। आपको किसने बताया? किसी ने भी बताया? पता है मुझे। मामा मुझे बताया, मैं जानना चाहती हूँ कौन है जो आपको बहका रहा है। बहका नहीं रहा, खबरदार कर रहा है। ये वही तो है जिसने हमेशा हमेशा मुझे बताया कि मेरा घर छलावे की वजह से खतरे में। मामा मुझे बताएं कौन है वो? कोई भी हो, खैर ख्वाह है वो हमारा। एक बात याद रखो, अगर तुमने अब इस छलावे से पीछा नहीं छुड़ाया तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आज मैंने अपनी मां को खोया है, हो सकता है कि कल तुम अपनी मां को खो दो। चले गए थे तुम मुझे छोड़कर सरनाश, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं सवेरा। तुम्हें कभी छोड़ के नहीं गया था, लेकिन जहां गया था वहां पर मेरा जाना बहुत जरूरी था। एक बहुत बड़ी साजिश का जाल बिछाया जा रहा तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए। दादी का कत्ल हुआ है सरनाश, और उन्हें तुम पर शक है। जैसे बचपन में तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका हाथ तोड़ दिया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है? जो भी हो सरनाश, मेरी दादी इस दुनिया से चली गई। मुझे और मामा को ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अकेले तपती धूप में खड़े। तुम मेरी दोस्त हो सवेरा, मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे यकीन है तुम पर, खुद से ज्यादा यकीन। मैं जानती हूँ कि जिसने दादी को कत्ल किया है वो कोई छलावा है, क्योंकि दादी की गर्दन पे जो निशान थे वो उसी के हैं।
है कौन ये मैं पता लगा कर रहूंगी। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सवेरा।